लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मुंबई और नई मुंबई समेत तमाम महानगरों में कोरोना की दूसरी लहर ने सबको परेशान कर दिया है। जानलेवा बने कोरोना संक्रमण को रोकने राज्य सरकार ने 6 अप्रैल से लॉकडाउन लगा दिया है। हालांकि नई मुंबई के दुकानदार और व्यापारी इस लॉकडाउन के खिलाफ हो गए हैं। नेरुल में तमाम दुकानदारों और व्यापारियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया और उद्धव सरकार से लॉकडाउन का फैसला वापस लेने की अपील की। नेरुल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार लॉकडाउन के जरिए उनके जीने और रोजी रोटी का साधन भी छीन रही है, ऐसे में आम जनता भला कैसे जिएगी। महाराष्ट्र में 6 अप्रैल से दूसरा लॉकडाउन शुरू हो गया है। हालांकि नई मुंबई में इसका विरोध तेज हो गया है। आज नेरुल के तमाम दुकानदारों और व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और उद्धव सरकार के लॉकडाउन के फैसले के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। नेरुल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मसिंह भाई पटेल ने कहा कि एक तरफ सरकार लॉकडाउन के जरिए रोजी रोटी छीन रही है, दूसरी तरफ बिजली बिल और लोन ईएमआई माफ करने को तैयार नहीं है, फिर लोग कैसे जिएंगे। वहीं अन्य व्यापारियों ने कहा कि पिछले लॉकडाउन से रोजी रोटी और कारोबार चौपट हो चुका है, ऐसे में जब जीने और परिवार को पालने की मुश्किल है तब राज्य सरकार ने दोबारा लॉकडाउन लगाकर आम जनता को तबाही की ओर ढकेलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उनका छोटा काम धंधा ही जीविका का सहारा है, अगर वो अभी नहीं चलेगा तो फिर परिवार कैसे जिंदा रहेगा। जिस तरह से सीएम साहब ने ऑर्डर दिया था कि सैटरडे संडे फुल लॉकडाउन और मंडे से फ्राइडे तक सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे दुकान खुली रहेगी, उसमें हम लोग सहमत था, मगर इन्होंने रात में क्या कौन सा कानून बनाया कि दोपहर में आके पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका जैसा कि टूट पड़े थे कि भाई दुकान बंद करो। दुकान बंद करने से आदमी का रोजी रोटी हराम हो जाता है। वैसा ही एक साल से लॉकडाउन से लोग परेशान हैं। एक गवर्नमेंट को लॉकडाउन करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो कानून से होता है, जो नियम से होता है, उसका पालन करके लॉकडाउन खत्म करना चाहिए। सीवुड में एक व्यापारी आत्महत्या करने को जा रहा था, उन्होंने दूसरे आजू बाजू ने कुछ छोटा सा मदद किया, वो आदमी बेचारा बच गया। मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह से आपने नियम बनाया था उसी नियम से हम लोग चलने को तैयार है, मगर लॉकडाउन अगर ये महीना लॉकडाउन किया तो बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि सैटरडे संडे का बोल के ये लोग ने पूरा एक महीने का मतलब 5 तारीख को ये लोग ने लॉकडाउन कर दिया, पूरा एक महीने का लॉकडाउन एक साथ में दे दिया। और वही भी नहीं सोचा कि अभी इस पब्लिक के ऊपर क्या गुजरेगी, दुकानदार के ऊपर क्या गुजरेगी। आज कुछ दुकानें चालू जो रखी है वहाँ पे भी लाइनें लगी हुई है। फिर हम बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, सब जगह पे भीड़ है, लेकिन पता नहीं इन लोगों को क्या लगता है कि फिर सिर्फ दुकान वाले कोरोना फैलाते हैं। उनको सोचना चाहिए, दुकान में सोशल डिस्टेंस के साथ सब होता है, फिर भी ये लोग दुकान वाले को टारगेट करके एक निर्णय लेते हैं। अभी उन सोच के लेते हैं कि ऐसे ही वो उनको पता फिर ज़्यादा टारगेट एक्चुअली। और हमेशा आज तक जब पहले लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तभी भी व्यापारी टारगेट में थे, आज भी व्यापारी टारगेट में है। व्यापारी का कोई सोचा नहीं, क्योंकि व्यापारी का आमदनी दुकान के ऊपर होता है और उससे ज़्यादा भी जो हमारे पास वर्कर लोग होते हैं, वर्कर का जो घर चलता है वो दुकान के ऊपर चलता है। आज हमारा घर नहीं चलेगा तो हम वर्कर का घर कैसे चलाएंगे। व्यापारी ये सरकार को सोचना चाहिए ये सब। इसको हम लोग आनी बानी कह सकते हैं, इतना ये कठिन निर्णय ले लिया है व्यापारियों के पास में। क्यों नहीं सरकार ने जब पहले लॉकडाउन लगाया था तो उनको मालूम था कि एक बार जब लॉकडाउन खुलेगा तो ये परिस्थिति निर्माण होने वाली है। ये कोई आज की परिस्थिति लाई गई नहीं है, ये आ गई है। तो इसको बजाय उन लोगों ने कोई उपाय करने का, कोई कार्रवाई करने का, तो उन्होंने सीधा सीधा लॉकडाउन करवा दिया। जैसे तैसे इतना लॉकडाउन समय तो खराब चल रहा था, 1 रुपए का किसी को भाड़ा नहीं छोड़ा गया, लाइट बिल दुगना तिगुना वसूला गया, तो इस सब का जिम्मेदार कौन है। लॉकडाउन अगर ये एक ही उपाय है
तो सब लॉकडाउन करके आप लोग खुद लॉकडाउन करके घर में बैठे हो तो आपका रोजी रोटी चल रहा है, इनका कैसे चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।